बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं है, फिर चाहे बच्चे इंसान के हों या जानवरों के। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि माँ होना भी आसान काम नहीं है तो आप क्या कहेंगे? भगवान ने मादाओं को बच्चे पैदा करने का वरदान जरूर दिया है, लेकिन मादाएं माँ का किरदार निभाना चाहती हैं या नहीं ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है। ये सच है कि ज़्यादातर मादाएँ अपनी मातृत्व की भावनाओं को फॉलो करती हैं और बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। वहीं कुछ मादाएं लीक से हटकर चलने में विश्वास रखती हैं। इनके लिए बच्चों को जन्म देना एक जिम्मेदारी होती है, जिससे आज़ाद होते ही वो बच्चे को मौत के मुंह में ढकेल कर ऐश की ज़िंदगी जीने की तैयारी कर लेती हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी मदर्स की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो या तो अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर देती हैं या उन्हें शाही दावत के तौर पर खा जाती हैं। आज की वीडियो में तैयार हो जाइए 10 ऐसे शातिर और क्रूर माताओं से मिलने के लिए जिन्हें बनाकर भगवान ने एक बड़ी गलती कर दी। मॉम लायनेस। इस लिस्ट में पहला नाम एक ऐसी शिकारी का है जिसे दुनिया सबसे शानदार माँ के नजरिए से देखती है। बहुतों के लिए शेरनी जाबाज और निडर माँ होती है और अपने बच्चों के लिए जंगल के किसी भी शिकारी को फाड़ कर रख सकती है। इसके बच्चों पर एक खरोच भी आने पर ये पूरे जंगल को इसकी सजा देने का दम रखती है। आप जरूर यही सोच रहे होंगे कि बच्चों के लिए बबून्स को चीर कर रख देने वाली माँ पूरी कैसे हो सकती है, और ये सवाल लाजमी भी है। ये सच है कि बच्चों के प्रति इस माँ का समर्पण बेमिसाल है, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब कहानी में शेर की एंट्री होती है। दरअसल एक शेर को अपने बच्चे से ज्यादा अपनी ताकत और गति प्यारी होती है। प्राइड में अपनी जगह बनाने के लिए हर शेर को अल्फा मेल को हराना होता है। अपनी ताकत को खोने के डर से नर शेर अपने ताकतवर कब्स को खुद ही मौत के घाट उतार देते हैं, और इस खून खराबे में शेरनी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। अपनी ही आंखों के सामने वो बच्चों को तड़पता देखती रहती है, मानो बस एक ही पल में इसकी सारी केयर कहीं छूमंतर हो जाती है। बच्चे माँ की तरफ आशावादी नजरों से देखते रहते हैं, लेकिन इस माँ का दिल बर्फ से भी ठंडा पड़ जाता है। ब्लैक ईगल। ब्लैक ईगल दुनिया के सबसे खराब माँ का जीता जागता नमूना है। ये माँ अपने ही बच्चों में पक्षपात करने के लिए जानी जाती है। इसे बच्चों के बीच होने वाली लड़ाई से कोई मतलब नहीं आता। कभी कभी तो बच्चों की लड़ाई गंभीर खून खराबे में बदल जाती है, लेकिन ब्लैक ईगल बच्चों की लड़ाई में कभी नहीं पड़ती। ये दूर बैठकर केवल तमाशा देखती रहती है। कभी कभी इस तमाशे में वो अपने सारे बच्चे खो देती है, पर इसके दिल में बच्चों को खोने का कोई दुख नहीं होता। दरअसल ये वीडियो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूल को सपोर्ट करती है और मजे से अपने ही नन्हे बच्चों की मौत का तांडव इंजॉय करती हैं। पैंडा। कौन सोच सकता है कि पैंडा भी क्रूर माताओं की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स यही बताते हैं कि पैंडा हमेशा एक या दो बच्चों को जन्म देते हैं। एक बच्चे को तो पालने में इस माँ को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन दो बच्चे होने पर ये दोनों में से किसी एक कप का चुनाव करती है, जबकि दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती है। अपने ही बच्चे के बीच ऐसे अंतर करना एक माँ को भले ही शोभा ना देता हो, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पैंडा का क्वालिटी कंट्रोल का तरीका होता है। ये केवल ताकतवर बेबी को ही बड़ा करने में विश्वास रखती है और दूसरे को भगवान भरोसे छोड़ देती है। कभी कभी ये माँ सोते समय अपने ही बच्चों पर चढ़ जाती है या अपना पूरा वजन उसके शरीर पर डालकर उसे मार देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दो बच्चों को पालना एक पैंडा के लिए बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी डाइट में केवल बैंबू शामिल होता है, जिसमें न्यूट्रिशंस की मात्रा काफी कम होती है। ब्लैक बियर। जहाँ एक तरफ पैंडा जो केवल एक बच्चा पालना पसंद करती हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बियर एक बच्चे को पालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। दरअसल जब कभी ब्लैक बियर का केवल एक ही बेबी होता है तो ऐसी स्थिति में ये जीव बच्चों को पालने में विश्वास नहीं रखती। ये बेबी बियर को पैदा होते ही छोड़ देती है और अगले साल का इंतजार करती है, ताकि ये ज़्यादा बच्चों को जन्म दे सके और उन्हें पाल सके। कमाल है कि ये माँ अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल बेरहम हो जाती है। स्पैरो मॉम। इस चिड़िया पर हमें दया भी आ जाती है और गुस्सा भी। दया इसलिए क्योंकि यह अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है, लेकिन अपने सौतेले बच्चों से जीने का अधिकार तक छीन लेती है। दरअसल ये कोल्ड ब्लडेड चिड़िया अपने पार्टनर से बेहद प्यार करती हैं, लेकिन धोखे की बर्दाश्त करने की क्षमता इनमें नहीं होती। मेल पार्टनर के किसी दूसरे स्पैरो से संबंध बनाने पर यह उसका घोंसला सहित सब कुछ तहस नहस कर देती हैं, उसके बच्चों को क्रूरता से मार डालती हैं, ताकि उसके नर साथी का सारा ध्यान उसके बच्चों की तरफ आकर्षित हो सके। मानना पड़ेगा कि फीमेल स्पैरो की यह क्रूर लेकिन प्रभावशाली टैक्टिक्स हमेशा काम कर जाती है। लंगूर। बंदर जितना अपने बच्चों से प्यार जताते नजर आते हैं, कुछ बच्चों के प्रति उतने ही क्रूर हो जाते हैं। लंगूर फैमिली के कुछ सदस्य अपने बच्चों को बेहद ही भेदभाव से पालते हैं। कमजोर बच्चा पैदा होने पर ये ताकतवर बीबी का चुनाव करते हैं और कमजोर बच्चे को ऐसे ही छोड़ देने की बजाय अपने हाथों से उसकी जान ले लेते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि लंगूर कितनी क्रूरता से अपने ही बच्चों का कत्ल कर देते हैं।
कुकू बर्ड्स। चिड़िया भी एक खराब माँ हो सकती है, ये बात मानना मुश्किल है, लेकिन कुकू बर्ड खराब नहीं बल्कि वाहियात माँ कहलाने के लायक है। इसे एक खराब माँ कहने से ज्यादा एक खराब चिड़िया कहना ज्यादा सही है, जो ऊपर से नीचे तक स्वार्थ से भरी होती है। अपनी आजादी के लिए ये चिड़िया कुछ भी कर सकती है। दरअसल इसे घोंसला बनाने और बच्चों को जन्म देने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ऐसे में जब बच्चों को जन्म देने का समय आता है तो ये दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर अंडे देती है। इसके बच्चे पहले अंडे से बाहर आकर दूसरी चिड़िया के अंडों को घोंसले से बाहर फेंक देते हैं ताकि सारा भोजन उन्हें प्राप्त हो सके। शातिरपन तो कुकू बर्ड के खून में होता है। इसी चालबाजी से दूसरी चिड़िया कुकू के बच्चों को पालती है और अपने बच्चों को गवा बैठती है। कुकू बर्ड अपनी जिम्मेदारी दूसरे बच्चों के मथे मढ़कर खुद आजाद घूमती है और इसके बच्चे घोंसले में सबसे ज्यादा जगह लेने और सबसे ज्यादा भोजन पाने के लिए अपने ही साथी भाई बहनों को मारकर बची खुची कसर भी पूरी कर देते हैं। हरे खरगोश भले ही दिखने में प्यारे होते हैं, लेकिन इनकी प्यारी शक्ल के पीछे की हकीकत काफी डरावनी है। दरअसल हरे जन्म देने के तुरंत बाद ही अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। ये उन्हें एक जगह में छिपाकर वहां से चले जाते हैं और समय समय पर उन्हें खाना देने के लिए वापिस आते हैं ताकि इस तरह से वो बच्चों को जिंदा रख सकें। प्यार और समर्पण देने की बजाय ये केवल उनकी भोजन की जरूरत को पूरा करते हैं। इनका ऐसा व्यवहार 25 दिन तक जारी रहता है। 25 दिन बाद खरगोश अपने बच्चों से मिलने आना बंद कर देते हैं और उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जितने छोटे ये जीव होते हैं उतना ही छोटा इनका दिल है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि खरगोश ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह अपने बच्चों को शिकारियों की नजर से बचा सके। दरअसल खरगोश को जंगल में बहुत सारे शिकारियों से बचकर रहना पड़ता है। ऐसे में बच्चों के इनके साथ रहने पर उनकी जान को भी खतरा होता है। रिसर्चर्स मानते हैं कि भूख की वजह से बच्चों को मरने का खतरा कम होता है, लेकिन किसी शिकारी से मरने का खतरा हमेशा बच्चे पर बना रहता है। हैमस्टर मॉम। हैमस्टर पहली झलक में अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जरूर जीत लेते हैं, लेकिन इस भोली शक्ल के पीछे एक खतरनाक चेहरा छिपा है। जी हाँ, इस छोटे से फरी एनिमल का भी एक सीक्रेट है। दरअसल इस क्यूट से फेस के पीछे एक क्रूर माँ छिपी होती है जो अपने ही बच्चों को भोजन बना लेती है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये छोटा सा जानवर कितना स्वार्थी है। रिसर्चर्स इसके ऐसे स्वभाव के कई कारण देते हैं। वो मानते हैं कि कई बच्चों को एक साथ पैदा करने के बाद इस जीव के शरीर में सभी न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं। ऐसे में शिकार के तौर पर वो अपने ही बच्चों पर फीड करती है ताकि उसे भरपूर न्यूट्रिशंस वापस मिल सके। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि भारी मात्रा में बच्चे पैदा करने की वजह से भी वो अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देती है ताकि संख्या को कंट्रोल में रखा जा सके। दोस्तों इसका कारण जो भी हो, लेकिन एक माँ का अपने ही बच्चों को खाना बिल्कुल नहीं स्वीकारा जा सकता। डार्विन्स फ्रॉग। डार्विन फ्रॉग को एक क्रूर माँ कहने के बजाय एक गैर जिम्मेदार माँ कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि नन्ही सी इस जान का किरदार केवल अंडे देना होता है, जबकि बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें बड़ा करने की सारी जिम्मेदारी मेल डार्विन फ्रॉग पर होती है। आप ये कह सकते हैं कि इस प्रजाति में जहां माँ कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती, वहीं पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता है। नर डार्विन फ्रॉग अंडे के हैच होने तक उन्हें अपने मुंह में रखता है ताकि कोई शिकारी उन तक ना पहुंच पाए। मानना पड़ेगा कि डार्विन फ्रॉग के पास बेहतर माँ नहीं होती, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा पिता जरूर होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी क्रूर माताएं जो अपने ही बच्चों के प्रति सौतेला व्यवहार रखती हैं। इनके प्यार में भी स्वार्थ छिपा होता है और ये उसी स्वार्थ से अपने बच्चों को वक्त आने पर बलि का बकरा बना देती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।